जय बाबा देव प्रयाग, जय बाबा केदारनाथ। तो आप हमारे साथ यात्रा करने वाले हैं केदारनाथ धाम के। बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। अभी हम लोग देव प्रयाग में हैं। अब देव प्रयाग से हम लोग बाबा केदारनाथ धाम की ट्रैकिंग करते हुए बाबा के द्वार पहुँचेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। वादियों के नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लुभावने हैं। पूरा देवभूमि आपका स्वागत करती है अपने चरणों में। आप जाएं दर्शन करें, बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही इंजॉयमेंट होता है वहाँ पे। तो अभी हम बाबा केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट कर चुके हैं और काफ़ी ही ख़राब और दुर्गम रास्ता देखने को मिल रहा है, क्योंकि बरसातें अभी ही बीती हैं और बरसातों में काफ़ी रास्ता ट्रैक जो है टूट जाता है। तो चलिए हम स्वागत करते हैं आपका अपने बाबा केदारनाथ ट्रैकिंग पे। और हम लोगों को इस समय ट्रैक करने में दिक्कत होने वाली थी, तो हमने घोड़े और खच्चरों का इंतज़ाम किया है। हम घोड़े से ट्रैक कर रहे हैं। वॉकिंग ट्रैक इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मिसेज साथ में है, तो वाइफ के होते और वो इतना कठिन ट्रैक नहीं कर सकती। और आगे देखिए आप, यहाँ पे खाई जो है टूटी हुई है, पूरा ट्रैक टूटा हुआ है और नीचे खाई है, उसके बगल से हम लोग जा रहे हैं। आगे की तरफ अच्छा नज़ारा, अच्छा दृश्य है देखने को और थोड़े डरावना भी है। डरावना इसलिए क्योंकि घोड़े बिल्कुल सटीक उस जगह पे चल रहे हैं जहाँ पे इसे गिरने का एकदम खतरा है, लेकिन घोड़े वहाँ के बहुत ही अच्छे होते हैं और काफ़ी समझदार होते हैं। अभी आप सामने जो नज़ारा देख रहे हैं वो रामबाड़े का है, एकदम स्ट्रेट में रामबाड़ा एकदम पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। ये पूरा रामबाड़े का रामबाड़ा इसी जगह पे था पूरा। और यहाँ से हम लोग मंदाकिनी नदी को क्रॉस करेंगे। क्रॉस करके उस ब्रिज से हम आगे की चढ़ाई करेंगे। आप देख रहे होंगे कितनी कठिन चढ़ाई है, एकदम सीढ़ियाँ बनी हुई है। नीचे से हम लोग ऊपर से वो नदी क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ आ गए हैं अब, और शाम होने को है। ट्रैकिंग हमने दोपहर 3 बजे स्टार्ट की थी और अभी तक हम खच्चरों पे सवार हैं और कठिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल इतनी कठिन चढ़ाई है, बहुत ही ज़्यादा। नीचे से एकदम खड़ी चढ़ाई 5 किलोमीटर की है और ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं रामबाड़ा क्रॉस करते हुए। अभी तक सब कुछ बढ़िया रहा और आधे रास्ते से ज़्यादा कवर कर चुके हैं। अब ऊपर चढ़ के मंदिर के पास पहुँच के मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग, अभी मैं मॉर्निंग का शॉट है करीब, यहाँ पे टाइम हो रखा है 6:24 और यहाँ से कुछ व्यू मंदिर का कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, ऊपर क्लाउडी। और रात में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी जिसकी मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाया, जिसकी वजह से, और वो कहानी जो है मैं आपको आने वाली वीडियो में आगे आपको सुनाता हूँ क्या दिक्कतें हमारे साथ हुई है यहाँ पे। और इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे वहाँ से लाइन लगी हुई है और ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है
और कुछ इस तरह से ये लाइन वहाँ पे जाती है और फिर वहाँ पे फिर वहाँ से वापसी घूमती हुई पूरा पीछे से और ये नीचे की तरफ उतर जाती है और काफ़ी दूर तक लाइन लगी हुई है और माउंटेन कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ सवेरी सवेरी बाबा केदारनाथ के दर्शन करा रहा हूँ मैं आपको। बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लीजिए, कपाट अभी नहीं खुले हैं और थोड़ा टाइम में कपाट खुल जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग का जो है 6 o'clock का ये व्यू है यहाँ पे और चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ जमा है, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इधर भी माउंटेन है, इधर भी काफ़ी लोग यहाँ पे हैं और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मंदिर खुले और हम लोग यहाँ पे बाबा के दर्शन कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को बाबा के दर्शन करने के बाद में। और बाबा के दर्शन करते टाइम अंदर हम लोग कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरा सेलफोन वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, तो माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, अंदर का व्यू हम नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन उसके बाद बाहर निकलने के बाद थोड़ा और रोशनी हो जाएगी और अच्छे से फोटोग्राफी होगी तो वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं बाबा के दर्शन करने के बाद। दर्शन हो चुके हैं मंदिर के और हम लोग बाहर आ चुके हैं, काफ़ी रोशनी हो चुकी है यहाँ पे और पीछे का कुछ इस तरह से नज़ारा है एक साइड में और चारों तरफ सूरज देवता भी निकल आए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और टेम्परेचर काफ़ी कम है, 5 degrees Celsius है माइनस में यहाँ पे। और वैसे मानसून था कि यहाँ पे आज बर्फ़ पड़ने वाली थी पर पड़ी नहीं, ऊपर वाले की वजह से यहाँ पे बारिश नहीं हो पाई। तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर सब नज़ारा एकदम बेहतरीन खूबसूरत और हम लोग ज़्यादा एंजॉय कर पा रहे हैं, वीडियो नहीं शूट कर पा रहे हैं। अच्छे से आ गई है और हम लोग धूप में ही बैठे, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि पीछे कुछ जगह पे मैंने देखा कि बर्फ़ फ्रीज हो चुकी है, मतलब पानी जहाँ से बह रहा है वो फ्रीज हो चुका है वहाँ पे। तो यहाँ पे -5 degrees टेम्परेचर था और जब से धूप निकली है मेरा मन नहीं कर रहा धूप से उठने का। और यहाँ पे इतनी भीड़ है आज, हद से ज़्यादा भीड़ है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है सामने आप देख पा रहे हो, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है वो सुबह 4 बजे से लगी हुई है और वो इतनी लंबी लाइन है कि हेलीपैड तक अभी तक लाइन जा रखी है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, लाइन दिखाता हूँ, ये वहाँ पे देखिए हेलीपैड है और वहाँ से लाइन है, ये पूरा लाइन जो है पूरा मंदिर बहुत दूर है, मंदिर यहाँ से दिख भी नहीं रहा होगा और पूरा वहाँ तक लाइन है और वहाँ पे भी एक पूरा राउंड लगाया हुआ है लाइन ने, इस तरह से गोल गोल चारों तरफ घूमी हुई मंदिर के और उसके बाद जाकर दर्शन हो रहे हैं। और अगर कोई श्रद्धालु आना चाहे तो मैं उसको मना कर दूँगा इस समय आने के लिए, मैं उसको कहूँगा कि ना आए, वो वेट करे नेक्स्ट ईयर, वो आया नेक्स्ट ईयर आएगा तो अच्छे से उसके दर्शन हो जाएंगे, इस बार दर्शन बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं, जो है भगवान की जो पिंडी है उसको देखने का बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेरा मन था पर नहीं देख पाया सही से, थोड़ा सा आगे का हिस्सा देख पाए हम लोग और ऊपर का बस थोड़ा सा हिस्सा देख पाए और बहुत दूर से। तो मैं मना ही करूँगा कि आप ना आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आप जिस अपनी अपनी श्रद्धा है आप आना चाहे तो आ सकते हैं। और अभी तक का जो जर्नी रही है बहुत ही दुखदायक रही है जैसा मैं बताना चाहूँगा। तो जर्नी में कुछ हम लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, हम लोग घर से निकले थे दिल्ली से निकलने के बाद में बाइक से निकले थे और यहाँ तक आए, क्या बोलते हैं आप, सोनप्रयाग और रुद्रप्रयाग तक आए। तो रुद्रप्रयाग में हम लोगों ने रूम लिया, वहाँ पर रुके हम लोग, नाइट स्टे किया, अर्ली मॉर्निंग उतरे, उठते ही हम लोग बाइक पे फिर से निकल गए, बाइक से निकल के सीधा अपना सोनप्रयाग गए। सोनप्रयाग पे हमारी बाइक को उन्होंने आगे नहीं आने दिया, उसके बाद हमने बाइक को पीछे वहाँ पर पार्किंग में लगाया, पार्किंग में लगा के हम लोगों ने जैसे ही गोरीकुंड की तरफ हम आया, गोरीकुंड से हम लोग को जैसे आगे चढ़ना था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी वहाँ पे, वो लोग कहने लगे कि आप टेस्ट करवाओ, तो हम
हमने किस तरह का, तो ई पास चाहिए, हम तो ई पास हम लोग बनवा गए हैं, वो पास मान्य नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ पे दोबारा पास बनवाओ, आप अपने दोबारा पास बनवाया, उसमें हम लोग को दोबारा परेशानी हुई और पास को बनवा के हम लोग वहाँ से फिर थोड़ा सा आगे आए तो खच्चर वाले हमें नहीं मिले। एक्चुअली में हम थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, वो पास पास के चक्कर में हमारा 1.5 से 2 घंटा वहाँ पर ख़राब हो गया। और उसके बाद में तो पास के चक्कर में 1.5 से 2 घंटा हम लोगों का ख़राब हो गया। और उसके बाद में वहाँ पे आ गया आने के बाद में खच्चर वाले के पास में खच्चर नहीं थे, जो सरकारी मतलब गवर्नमेंट जो इनका खच्चर वाला है। उसके बाद हम गए खच्चर के लिए, क्योंकि अगर मिसिस नहीं होती मेरे साथ तो मैं पैदल ही चढ़ाई करता, बट मेरी मिसिस के होने की वजह से मेरे को खच्चर की ज़रूरत थी। खच्चर वाले वहाँ पे नहीं थे और एक भी खच्चर नहीं था। मैंने उनसे पूछा खच्चर मिल जाएगा, तो बोले नहीं मिलेगा। फिर मैं काफ़ी देर परेशान रहा, 1.5 घंटा मेरे को वहाँ पे परेशान हो गया मैं। उसके बाद एक भला मानस मिला मुझे, एक बड़ा आदमी था, उसने कहा खच्चर चाहिए, मैंने कहा मिल जाएगा, बोले हाँ मिल जाएगा। बट एक बंदा